Yes, Bete. So today we are going to start with our next grammar topic, that is number. Okay. Now, number क्या होता है? Number. We change the number. Number can be one thing. जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, when I'm saying I have this piece of chalk, a chalk in my hand. Okay. So now these are the pieces. These are the pieces. One chalk and these are the pieces of chalk. तो अब क्या है? एक पीस था, ठीक है? उसका मैंने बना दिया pieces. I have a pen. I have many pens. तो एक pen और ज्यादा pens. Like we have many boys in our class, many girls in our class. Sometimes we talk about one girl. And other time we talk about many girls. तो number क्या है कि एक और ज्यादा. So one and many, that is the number. Okay. Now जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, that is a singular. Okay. And when we talk about more than one, एक की बात की तो सिंगुलर, मोर देन वन इट विल बी प्लूरल. दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब ज्यादा, मोर देन वन. अब इसके लिए बेटा सर्टेन रूल्स आर देयर कि जब हम किसी भी चीज का वन एंड मैनी, एक से ज्यादा में, एक वचन बहुवचन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एक जब एक चीज का प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं. सो मैं वो आपको वन बाय वन, सिंपल द बेसिक रूल इज वी जस्ट एड एस. लाइक आई गिव यू एग्जांपल, बॉय वर्ड है तो उसके साथ हम क्या करते थे, जब उसका प्लूरल बनाते हैं इट बिकम्स बॉयज. गर्ल है तो गर्ल्स. सिमिलरली सिंपल हमने क्या किया, वी एडेड दिस एस. Similarly, pen, pens. So simply, we added S here. Now, somewhere we have the words जहाँ पे हम ES add करते हैं. अब ES बेटा कहाँ पे add करते हैं? जहाँ पे जो words CH के साथ खत्म होते हैं, जहाँ पे जो words S के साथ खत्म होते हैं, X के साथ खत्म होते हैं. For example, the word is box. अब इट इज एंडिंग विद एक्स तो इसका प्लूरल बनाने के लिए वी विल मेक इट बॉक्सेस. तो हमने क्या किया, वी एडेड ई एस. यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, ओनली एस, यहाँ पे वी एडेड ई एस. अब इट इज पंच, अब ये किससे एंड हो रहा है, सी एच. हमने क्या ऐड करना है इसका प्लूरल बनाने के लिए, पंचेस, गुच्छे, bunches of grapes, bunch गुच्छा and bunches of grapes, grapes के गुच्छे, ठीक है. Then it is glass. Now glass is ending with word with letter s. S letter से खत्म हो रहा है तो इसका plural जब हम बनाएंगे we will make it glasses. Okay, so this is the rule कि अगर कोई वर्ड, अगर कोई भी वर्ड एक्स से खत्म होता है, सी एच से खत्म होता है या एस से खत्म होता है तब हम ये लेटर से जब खत्म होता है तो वी एड ई एस ई एस. ओके, सो आई होप यहां तक सबको क्लियर है. नाउ कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल वेयर वी कैन एड ई एस, टाइप इन चैट बॉक्स. यस, टाइप इन चैट बॉक्स एनी वर्ड जिसका प्लूरल हम ई एस लगा के बनाते हैं. यस, क्विकली क्विकली, बाय द टाइम आई इरेज इट, क्विकली गिव मी दैट रिस्पॉन्स. शाबाश. ओके, बेंच, वेरी गुड. ओके, ठीक है. लंच, लंचेस. ओके, और क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड. क्लास, क्लासेस. ओके, फॉक्स, फॉक्सेस. ओके ओके ओके, ठीक है जी.
ओके बेटे ठीक है राइट 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 ओके राइट स्टॉप नाउ स्टॉप टाइपिंग लीव इट नाउ वेरी गुड एस एस इज यस वॉच वॉचेस शाबाश वेरी गुड लीव इट स्टॉप नाउ नाउ अगेन फोकस हियर देयर आर सम वर्ड्स व्हिच एंड विद वाई वर्ड इज स्टोरी सो व्हेन द वर्ड एंड्स विद लेटर वाई तब हम y की जगह हम क्या लगा देते हैं इट इज स्टोरीज जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो ये y को काट के हमने एड कर दिया आई ई एस सो इट इज स्टोरीज सिमिलरली इट इज सिटी ठीक है अब सिटी अगेन हम क्या करेंगे y को काट के इट विल बी सी आई टी आई ई एस तो जब किसी वर्ड को जो वर्ड वाई से खत्म होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वी रिमूव वाई एंड देन वी एड आई ई एस राइट और कोई वर्ड क्या हो सकता है एनी अदर वर्ड क्विकली क्विकली एनी अदर वर्ड जहां पे हम आई ई एस करते हैं जैसे इट इज ड्यूटी ड्यूटी तो इट इज डी यू टी आई ई एस अगेन y को काट के हमने IES कर दिया तो दिस इज ऑल्सो अ रूल कि कुछ वर्ड्स जो y से खत्म होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं वी इरेज दैट y एंड वी यूज IES यस berries वेरी गुड ओके सो दिस इज हाउ वी मेक प्लूरल ऑफ द वर्ड्स एंडिंग विद y नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि सर्टेन वर्ड्स आर देयर जिनमें y से पहले एक वॉवल आता है आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? इट इज 26, ठीक है तो 26 में जो 5 है वो वॉवल है a e i o u बाकी के क्या हैं? Those are the consonants. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें y से पहले एक वॉवल आ जाता है A, E, I, O, U में से कोई यूज हो सकता है तो ये वाला रूल वहां पे अप्लाई नहीं होगा तो ये वाला Y को काट के आई एस वाला रूल वहां पे अप्लाई नहीं होगा जैसे यहाँ पे वर्ड हमने किया ना स्टोरी ये स्टोरी का मतलब होता है कहानी ठीक है एक वर्ड होता है एस टी ओ आर ई वाई ये स्टोरी ये स्टोरी का मतलब क्या होता है पता है आपको ये स्टोरी का क्या मतलब होता है कुछ बिल्डिंग्स होती है ना जो जिनमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं तो हम बोलते हैं ना मल्टी स्टोरी ठीक है तो स्टोरी मतलब मंजिल तो इसका प्लूरल अब क्या है रूल हमारा ये वाई है नॉर्मली हमने क्या रूल किया है कि वी विल रिमूव वाई एंड देन वी विल राइट आई ई एस बट ये वाई से पहले क्या है एक वॉवल आ गया ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे We will not erase y and write ies. Simply, we will add s. So it is. It will be stories. Six stories. मतलब छह मंजिलें हैं उस बिल्डिंग. ठीक है? तो यहाँ पे रूल क्या है? अब y से पहले अगर वॉवल e वॉवल आ गया ना a e i o u तो ये आ गया इसलिए यहाँ पे हम s ही लगाएंगे. यहाँ पे हम y को काट के आई ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है जैसे वर्ड है रे ठीक है रे वर्ड है रे क्या है रे ऑफ लाइट हम बोलते हैं ना वो जो एक सूरज की किरण जिसको हम बोलते हैं तो रे का प्लूरल अब फिर y से खत्म हो रहा है बट यहाँ पे ये क्या है दिस इज अ वर्ड तो वी विल सिंपली राइट इट रेज ओके सिमिलरली joy so joy ka joy so this is how we will not use ies here simply we will add s ab mujhe y wale ke aap examples dijiye chat box mein by the time I erase it jaldi se mujhe kuch examples where we delete y and write ies okay everybody will give me response I want everybody to give
बेटा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जहां पे हम वाई को डिलीट करके आई एस लगा रहे हैं वो वर्ड मुझे बताइए. आर्मी, वेरी नाइस वेरी नाइस. नो, की वो नहीं है. की में तो वाई से पहले वॉवल आ गया तो हम सिंपली एस ऐड करते हैं. नो, दैट इज नॉट अ लेडी, बेबी. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. लिली, डंकी नहीं है. डंकी वो बाद वाले में आएंगे. अब नाउ माय क्वेश्चन इज, प्लीज डोंट मिक्स अप द आंसर्स बेटा. नाउ माय क्वेश्चन इज, अब मुझे आप वो एग्जांपल दोगे जहां पे हम वाई को काट के आई एस नहीं कर रहे, सिंपली वी आर एडिंग एस. ऐसे मुझे वर्ड्स बताइए. ओके बॉयज, ओके बॉय भी ठीक है. हाँ जी ठीक है. डेज, ओके ओके. डंकी, मंकी, ओके. की, के ई वाई, की. यस, वेरी गुड वेरी गुड. बेटा आप लोग क्यों रिपीट क्यों करते हो वही कॉमन वर्ड्स? व्हाई डू यू रिपीट? सो मेनी स्टूडेंट्स आर, 64 स्टूडेंट्स आर हियर, तो मेरे पास 64 रिस्पॉन्सेज तो होने ही चाहिए ना. इट मींस आई शुड हैव 64 वर्ड्स हियर. You are repeating the same words, beta. Okay, very good, very good. Wait, yes, wait. W A Y, wait. Okay, beta. Now, good, good, good. Leave now. Leave it now. Don't type in chat box. Very good. I appreciate you all. Very nice. Very, very, very good. Ab nahi type karna. Ab nahi type karna. Aapne. Leave it, beta. Ab nahi karna type. Okay, beta. Now, next is, jahan pe hum F ko, F से कोई वर्ड अगर लेटर F से खत्म होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम F को काट के we add VES. Calf, calves, बछड़ा बछड़े. ठीक है, मीनिंग पता होने चाहिए. Calf, calves. तो हमने क्या किया? We simply F को remove करके हमने VES कर दिया. Okay, similarly we have leaf, leaf, L E A F. अब फिर इसका जब प्लूरल बनाना है F को काट के, it is leaves. Leaf की जगह it is leaves. Okay. So हमने again what did we do? We just simply removed F and added V E S. It is leaf, leaves. Okay, next word is thief. अब इसमें आप गड़बड़ी करते हो. When you know it. अब हमने क्या करना है? F को काट के we are to write V E S. तो answer will be T H I E V E S. तो आप लोग spelling में गलती कर जाते हैं. आप E ये वाला लिखते ही नहीं. So it is T H I E V E S. Yeah. ओके, देन नाइफ, चाकू, इसका प्लूरल क्या बनेगा? इट विल बी के एन आई एस, नाइफ. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर टू मेक द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स एंडिंग विद लेटर एफ. अब इसका एग्जांपल जल्दी से, इसका एग्जांपल. वेरी गुड वेरी गुड. डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होने चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए सबके. शेल्फ, वोल्फ, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. शेल्फ, वोल्फ, थीफ, थीफ तो आई हैव ऑलरेडी रिटन बेटे. हाँ जी बेटे, प्लीज डोंट राइट योर नेम. ओके, लीफ, ओके. वाइफ, ओके वेरी नाइस. बेटा की नहीं आएगा, की नहीं आएगा. यहाँ पे हम वर्ड कर रहे हैं जहां हम एफ को रिमूव करके वीई एस कर रहे हैं, तो की वाला वर्ड तो पहले हो चुका ना. वो तो है, जब हम वाई से पहले कोई वॉवल आता है तब हम एस लगा. तो आपने अभी मुझे लोफ, वेरी गुड वेरी गुड. लोफ, लोब्स, वेरी नाइस ओके. अब कुछ हमारे पास ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एफ से खत्म तो होते हैं बट वहां पे हम वीई एस नहीं लगाते. ओके, जैसे वर्ड है ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है दुख. ठीक है, तो इसका आ जाएगा ग्रीफ. इनके आगे हम सिर्फ
एस लगा देते हैं, चीफ वर्ड है, चीफ सी एच आई ई एफ, तो इसका भी वी ई एस नहीं होगा, चीफ, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर टू मेक देयर प्लूरल्स ऑल्सो। हूफ वर्ड है, हूफ, तो इसका भी इट इज हूफ। हूफ क्या होता है, घोड़े की जो पैर होते हैं ना उसको हम बोलते हैं हूफ, तो इसका प्लूरल भी सिंपली वी विल एड एस। ओके ओके, हाँ जी बेटे। अब ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स आर ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन इन योर बुक आल्सो, विच एंड विद ओ, विच एंड विद ओ, एंड हम क्या करते हैं, जैसे द वर्ड इज मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है, मॉस्किटो इज मच्छर है ना, कौन सी डिजीज करता है, विच डिजीज इज caused, which disease is caused by mosquito, yes yes, देख लो सारे सब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं, very good very good, it is malaria, yes it is malaria, शाबाश। तो mosquito o से खत्म हो रहा है, तब हमने क्या करना है इसका प्लूरल बनाने के लिए, it will be mosquitoes, t o e s, इसमें हमने ऐड कर देना है ई एस। ओके, ऐसे ही पोटैटो, वो से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ई एस, पोटैटोस। ओके, ऐसे ही यू आर राइटिंग, यस इट इज टोमेटो, सम स्टूडेंट्स हैव रिटन, ओके वेरी गुड, हीरोज, शाबाश, वेरी गुड, बफलोज, गुड 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 गुड, तो बफेलो सिंगुलर इज बफेलो, जब हम ज्यादा की बात करेंगे सो इट विल बी बफेलोस, शाबाश, वेरी गुड, आपने कितने वर्ड्स बता दिए मेरे, शाबाश, राइट। तो दिस इज हाउ वी मेक सिंगुलर टू प्लूरल ऑफ द वर्ड्स विच एंड विद ओ, जो वर्ड्स ओ से खत्म हो रहे हैं उनके साथ हम ई एस लगा के उनका हम प्लूरल बना दें। ओके, नाउ कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं बेटा जो ना टोटली चेंज हो जाते हैं, टोटली नहीं, जिनमें क्या होता है कि उनका बीच में वॉवल चेंज होता है, उन वर्ड्स का सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए, जैसे टूथ, एक दांत, ठीक है, तो इसका प्लूरल टूथ्स होता है, नो इट इज टीथ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कौन से वाउल यूज किए थे, डबल ओ, तो उसको रिप्लेस कर दिया हमने डबल ई के साथ, ऐसे ही बूज, बूज ये एक वर्ड होता है, ठीक है, तो बूज सिंगुलर, जब इसका प्लूरल बूजेज नहीं, इसका प्लूरल इज, इट इज बीज, तो हमने क्या किया कि हमने वहां पे ये डबल ओ को रिप्लेस कर दिया अनदर वॉवल के साथ, सो इट इज डबल ई हियर। ओके, ऐसे ही मैन, वन मैन, तो मैनी में क्या आ जाता है, मैन्स, नो इट इज अगेन, हम क्या रिप्लेस करते हैं वहां पे, ये वॉवल को कर देते हैं, इट बिकम्स मैन, एक ही जगह हमने लगा दिया ई। So this is how we change the words of some plural, make plural of some words which have these vowels, and we simply change the vowel, right? Okay, चलो अभी थोड़ा सा ना break लेते हैं, तो let me ask you something, let me ask, now certain words are there which are compound words, कंपाउंड वर्ड्स मतलब वहां पे एक वर्ड नहीं, मोर देन वन वर्ड, ठीक है, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है जिसको हम दामाद बोलते हैं ना, उसको सन इन लॉ बोला जाता है, तो सन इन लॉ का, सन इन लॉ का जब हम प्लूरल बनाएंगे, जब हम प्लूरल बनाएगा सन इन लॉ का, तब हमने बेटे क्या ध्यान देना है, इट इज नॉट देयर कि आपने ये जो लास्ट वर्ड देखा है उसके साथ एस लगा,
No. So it will be okay. Sons-in-law. Okay. Sons-in-law. It will sons be mute yourself. Please mute yourself. Don't create disturbance, beta. So it is sons-in-law. Okay. So aise hi aur word hai. Jaise it is step daughter. अब यहाँ पे अगेन दो वर्ड्स हैं स्टेप डॉटर तो अब इसका प्लूरल क्या बन जाएगा सौतेली बेटी जिसको हम बोलते हैं तो इट विल बी स्टेप डॉटर्स स्टेप डॉटर्स ठीक है तो इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जैसे पासर बाय का मतलब होता है कि जो गुजर रहा हो साइड से जो हमारे आम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे इधर उधर से गुजरते हैं तो इट इज पासर बाय सो इसका प्लूरल होता है दैट इज पासर बाय तो दिस इज हाउ ये कंपाउंड वर्ड्स के हम प्लूरल बनाते हैं ठीक है ओके अब आप मुझे बताइए वॉशरमैन का प्लूरल बताइए प्लूरल ऑफ वॉशर बेटा आप अलग वर्ड्स मत लिखो जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ वो ही लिखो सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग फुट का फीट लिख रहे हैं डोंट डू दैट हाँ जी वॉशरमैन यस इट इज वॉशर मैन अब मैन का प्लूरल बन जाता ना मैन इट इज आकाशदीप हाँ जी What are you doing? सीधे बैठो बेटा बिल्कुल सीधे बैठो This is class. Okay? So washerman का washerman. अच्छा अब जल्दी से मुझे कोई ox का बताएगा plural. Ox का plural. Oxes. No. अब मैंने पहले आपको बोला था ना कि एक्स से जो खत्म होता है उसके पीछे हम ईएस लगाते हैं बट दिस वर्ड इज एक्सेप्शन तो ऑक्स का प्लूरल बेटा होता है इट इज ऑक्सन ऐसे ही चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नो इट इज अगेन चिल्ड्रन ओके So these are the words, बेटा, जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं हर वेराइटी के कुछ वर्ड्स मैंने आपको करवा दिए एंड सम वर्ड्स आर गिवन इन योर बुक आल्सो तो आपको वो सारे वर्ड्स को एक बार लर्न जरूर करना है एंड डोंट बी रिस्ट्रिक्ट टू दोज वर्ड्स ओनली कि आप बोलो मैम यही आएंगे पेपर में नो वी ऑलवेज गिव यू वेराइटी ऑफ वर्ड्स आप बुक्स में भी चैप्टर्स में पढ़ते हो साइंस में सोशल साइंस में ऐसे ही सिंगुलर टू प्लूरल सारे वर्ड्स बनते सो सिंपली बेसिक जो रूल्स हैं दोस यू आर टू कीप इन माइंड मैम ये नोटबुक में करने जब बुक में बेटे यू आर नॉट टू राइट एनीथिंग मैंने ये बिगनिंग में ही बोला आपने कुछ नहीं लिखना आपने समझना है अभी आपने समझना लिखा है प्लीज लिसन बेटा सुना करो बच्चे सुना करो यही प्रॉब्लम आप सुनते नहीं आपने लिखना अभी कुछ नहीं है आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई है दोज विल बी गिवन टू यू एज होमवर्क आपने अभी मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया तो आपने अभी सिर्फ समझना था इसे ठीक है सो नाउ आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको कल करवाऊ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ओके सो अब यहां तक आई होप आपको क्लियर है चीजें ओके नाउ यू ओपन योर बुक्स विद Then we will start solving the exercises also. Open your books, bete.